ब्रेकिंग न्यूज बड़ा समाचार आ रहा है अन्वेषक न्यूज पे, अन्वेषकों से संबंधित अन्वेषक कोर्ट अपडेट निकलकर सामने आई है। क्या है दोस्तों, इस समाचार के माध्यम से हम आपको पूरा बताएंगे, लेकिन छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 26 जुलाई 2023 को ये केस लगा हुआ है सिंगल बेंच में, मंजीव शुक्ला जस्टिस हैं और सिंगल बेंच में ये फ्रेश केस लगा हुआ है। अन्वेषक नवीन विद्यालय अनुबंध नवीनीकरण से संबंधित है और जितेंद्र कुमार जी ने इसको किया था। आपको दिखाना चाहेंगे वो पोस्ट जो अभी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल की है। क्या है उसमें, अन्वेषकों की जायज़ मांग जिसकी सुनवाई कल होनी है, लिस्टेड है केस कल की डेट में। अब देखते हैं कल सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, जितेंद्र कुमार जी ने समस्त अन्वेषक को अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग करें ताकि कल की हियरिंग के लिए जो वकील साहब की फीस है वो पूरी की जा सके। दोस्तों वो पोस्ट भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें उन्होंने हम्बल रिक्वेस्ट किए समस्त अन्वेषकों से, अन्वेषक नवीन विद्यालय अनुबंध एवं नवीनकरण को लेकर क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या जायज़ मांगे हैं, वो भी उन्होंने साफ साफ लिखी हैं और बताया है कि आप सभी का सहयोग रहा तो हम निश्चित विजय को पाएंगे। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनांक 26 सात 2023 को अपने केस की सुनवाई है, जिसका मुख्य सार बहस का यह है कि 100 संख्या पर अन्वेषक रखने का प्रावधान है, लेकिन 100 संख्या के कम होने पर कहीं हमारे शासनादेश में वर्णित नहीं है कि अन्वेषकों का जबरदस्ती ट्रांसफ़र या अन्य विद्यालय किया जाए और नवीनीकरण या नवीनीकरण रोका जाए, किसी भी प्रकार का शोषण किया जाए। शासन द्वारा जारी नवीनीकरण का प्रमाण पत्र हमने लगा दिया है, हमें अपनी इच्छा के अनुसार विद्यालय चयन करने या उसी विद्यालय में रहने का अवसर दिया जाए। दूसरे पॉइंट में लिखा है, उत्तर प्रदेश के सभी 100 संख्या के मानक पूरे करने वाले स्कूलों को स्थानांतरित नीति में जोड़ा जाए जिसमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। कक्षा 1 से 8 तक के कंपोजिट स्कूलों की 7 संख्या की संख्या काउंट की जाए जिससे हम सभी की नौकरी सुरक्षित रहे। साथियों ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब अपने न्याय की इस लड़ाई में विजय प्राप्त करें। देखिए एक और पोस्ट की उन्होंने निवेदन किया है, विनम्र निवेदन है कि अपने कोर्ट केस की मजबूती से सुनवाई हेतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सहयोग पर ध्यान दें, अन्यथा की स्थिति में 26 सात 2023 की हेयरिंग करा पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। इसके लिए आप सभी जिम्मेदार होंगे। इसलिए साथियों आप सभी लोगों से पुनः आग्रह है कि अधिक से अधिक सहयोग करने की कृपा करें जिससे हम सभी अपनी इस लड़ाई को दमदारी से लड़ सकें। आगे आप सभी खुद ही समझदार हैं। जितेंद्र जी का खाता संख्या है, इस पर अन्वेषक सहयोग भेज सकते हैं। तो साथियों देखते हैं कल की सुनवाई में क्या निर्णय लिया जाता है अन्वेषक नवीन विद्यालय अनुबंध नवीनीकरण को लेकर। ये जो केस किया गया है कल सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है ये वक्त बताएगा। इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी सबसे पहले अन्वेषक न्यूज़ पर आप जान पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपकी हर खबर को हम दिखा पाएँ, जग जाहिर करवा पाएँ देश और दुनिया के लिए। अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अन्वेषक न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।